हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों देखिए जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है दूध उसके बाद बकरी गाय और मुर्गी इसका डायग्राम कौन सा बनेगा दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से और भी प्रश्न है दोस्तों देखिए जैसे हाथी का संबंध लिखा है गजदत से तो उसी प्रकार से तोता का संबंध किसे होगा यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है और चार ऑप्शन दिया गया है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा और भी प्रश्न है दोस्तों ये देखिए जैसे सत्ताईस का संबंध लिखा है एक सौ पच्चीस से तो उसी प्रकार से चौंसठ का संबंध किससे होगा और इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के दोस्तों जो अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुके हैं जो एजेंसियाँ अभी एग्जाम कंडक्ट करवा रही है बिल्कुल इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं और ये सारे प्रश्न दोस्तों अभी हाल ही के एग्जाम में जो पूछे गए हैं दो बीस इक्कीस उन्नीस बीस अठारह सत्रह तक के प्रश्न इसमें शामिल किए हैं दोस्तों जो बार बार रिपीट किए हैं और पूछे जा सकते हैं आगामी एग्जाम में क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं दोस्तों जो बार बार एग्ज़ाम में रिपीट करते हैं ये पार्ट नंबर हम लोगों का बहत्तर है जिसने पार्ट इकहत्तर तक नहीं देखें तो चैनल पर जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड के हैं तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से बिल्कुल आपको सबसे शॉर्ट तरीका से सारे प्रश्न को सॉल्व करने का तरीका बताएंगे इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों चाहे वो एस एस सी का एस्पायरेंट हो बैंक रेलवे सी जी एल एल पी टेक्नीशियन एम टी एस सी एच एस एल सी पी ओ एस एस सी जी डी सी एस एफ यू के पी एस सी डी एस एस बी सी टेट आई बी एस एस सी स्टेनोग्राफर डी आर डी ओ यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं पुलिस दरोगा नेवी अग्निवीर जी डी बैंक पी ओ क्लर्क ग्रुप डी एन टी पी सी आर पी एफ आर्मी एस एस पी आई टी बी पी सी आर पी एफ या आप किसी और भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों चाहे वो बिहार सचिवालय बिहार एस एस सी यू पी एस आई दिल्ली हेड कॉन्स्टेबल राजस्थान पुलिस किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए ऐसा नहीं कि सिर्फ इस एग्जाम के लिए जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है सभी के लिए इंपॉर्टेंट है तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ दोस्तों आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है तो देखिए पेन पेपर लेके बैठिए दोस्तों और सॉल्व करते हुए चलिए और आप जरूर कमेंट करके बताएंगे कि 16 में से आपके कितने प्रश्न सही हो पाए तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया कि सर दूध है बकरी है गाय है और मुर्गी है तो इसका कौन सा डायग्राम बनेगा तो देखिए आपको वीडियो को पॉज करके ट्राई करना है दोस्तों कि आपसे बन पा रहा है कि नहीं देखिए हम आपको तरीका बताते हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों अगर देखा जाए तो एक डायग्राम कर लेंगे ऐसे सर यानी कि ई हो जाएगा हम लोगों का दूध का ठीक है सर तो दूध के अंदर में हम लोगों का कौन आ जाएगा तो देखिए दूध के अंदर में कौन आ जाएगा दोस्तों एक हम लोगों का गाय आ जाएगा क्योंकि गाय दूध देने वाला है तो इसीलिए गाय इसके अंदर हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा दोस्तों बकरी हो जाएंगे क्योंकि बकरी भी क्या देती है दूध देती है बहुत तरह के बकरी होते हैं दोस्तों ऐसा ऐसा एक बकरी है कि बहुत ज़्यादा दूध देती है इसलिए वो भी किसके अंतर्गत आएंगे दूध देने के वाला अंदर लेकिन सर मुर्गी आज तक कत, कतनों क्वालिटी का कोई भी मुर्गी ले लेंगे वो दूध देने वाला है नहीं तो इसीलिए हम लोग मुर्गी को क्या करेंगे दोस्तों बाहर कर देंगे यानी मुर्गी का डायग्राम किधर हो जाएगा तो मुर्गी का सर हम लोगों का बाहर डायग्राम हो जाएगा और इस तरीके से मुर्गी को बाहर कर देंगे तो देखिए इस तरीके का डायग्राम किस ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों काफी बार अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है कि देखिए आजकल जो है ना बड़े बड़े आ रहे हैं क्योंकि एजेंसियाँ

बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों का दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सर हाथी का संबंध लिखा है गजदत से तो उसी प्रकार से तोता का संबंध किससे होगा तो देखिए यहाँ पे कैसे दिया है और कैसे हम लोग करेंगे देखिए जिस प्रकार दोस्तों हाथी का देखिएगा दो गो दांत जो है बाहर निकला रहता है लंबा लंबा उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों गज दत बोलते हैं उसी प्रकार तोता का बाहर क्या निकला रहता है तो सर तोता का देखिए एक चौच क्या निकला रहता है दोस्तों बाहर हम लोगों का अरे तोता का मुंह जो है क्या है चौंच निकला हुआ तो इसीलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का चौंच काफी बार इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए दोस्तों इसीलिए तरीका को समझना है कि हाथी का संबंध गजदत्त से कैसे है जिस प्रकार हाथी का मुंह से देखिए दो गो दांत निकला हुआ तो उसको

उसके बाद लिखा है देखिए समानुपात उसके बाद लिखा है चौंसठ और यहाँ पे क्या है दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह तो देखिए बहुत सारा स्टूडेंट इस तरीके के प्रश्न बनाने के लिए क्या करते हैं कि ऐसे लॉजिक लगाएंगे कि सर सत्ताईस में यदि हम लोग एक सौ पच्चीस लिखा है तो कितना जोड़ना होगा अगर देखा जाए तो देखिए एक दस पाँच पंद्रह पंद्रह में सात जाएगा यहाँ पर आठ हो जाएगा और इधर हो जाएगा सर हम लोगों का देखिए तो इधर हो गया तो इधर ई पहचान दे दिया तो एक एक दस और क्या हो जाएगा दोस्तों एक, एक ग्यारह ग्यारह में दो जाएगा तो नौ अगर हम लोग नौ जोड़ दें यानी अंठानवे जोड़ देंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा कि सत्ताईस ही देखिए आठ सात पंद्रह करीब पांच नौ दो ग्यारह बारह बिल्कुल सर अंठानवे जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा एक सौ पच्चीस हो जाएगा सत्ताईस में अंठानवे तो क्या यहाँ पे यदि आप अंठानवे जोड़ेंगे तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है जो काम आप उधर के इस समानुपात क्या कहता है कि जो काम आप उधर के वही काम आपको इधर है। तो जोड़ दीजिए जैसे अंठानवे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आठ चार क्या हो जाएगा दोस्तों बारह करी दो हासिल क्या? है? एक नौ छ पंद्रह नौ छ क्या हो जाएगा दोस्तों ये देखिए नौ छ पंद्रह और एक क्या हो जाएगा दोस्तों सोलह तो हम लोगों का क्या हो जाएगा कि सर आठ चार बारह करी दो हासिल रहा है एक नौ छः पंद्रह एक या सोलह तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों एक सौ बासठ हो जाएगा यानी कि क्या हो जाएगा एक सौ बासठ हो जाएगा तो देखिए इस तरीके से अगर करेंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा एक सौ बासठ हो जाएगा लेकिन आपको तरीका सीखना है कि यहाँ पे अगर हम लोग अंठानवे जोड़े तो देखिए वही काम इधर भी अंठानवे जोड़े तो आठ चार बारह करी दो हासिल रहा एक नौ छः पंद्रह एक सोलह ठीक है सर और उसी प्रकार से यहाँ पे अंठानवे जोड़े थे क्या हो गया हम लोगों का 125 हो गया तो देखिए ई भी लॉजिक हम लोगों का यहाँ पे क्या हो जा रहा है सही हो जा रहा है लेकिन देखिए इस तरीके का प्रश्न हम लोगों का नहीं दिया गया था देखिए इसका आंसर जो है बोर्ड के द्वारा कैसे दिया गया दोस्तों ई तरीका आपको बता दें कि बोर्ड के द्वारा हम लोगों का आंसर इसका क्या दिया है यानी कि यहाँ पे जोड़ा नहीं था बल्कि यहाँ पे बोर्ड के द्वारा देखिए बल्कि आंसर हम लोगों को इस तरीके से सोचेंगे तो ये भी हो सकता है लेकिन वो क्या किया है देखिए इसको कर दिया है तीन का क्या कर दिया दोस्तों क्यूब कर देंगे यानी कि तीन का क्यूब क्या होता है सत्ताईस होता है अगला देखिए ई क्या

सोलह हो जाएगा बहुत सारा स्टूडेंट एक भी निकाल सकते हैं लेकिन इस प्रश्न का आंसर जो बोर्ड के द्वारा दिया गया था दोस्तों क्योंकि सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के हैं, तो इस प्रश्न का आंसर क्या जाएगा दोस्तों दो तो आपको हमेशा सभी तरीके के लॉजिक लगा के देखना हो वैसे बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर हम एक सौ बौसठ लगाएंगे अब बोर्ड के द्वारा अब जिसको आंसर दिया जाए लेकिन आपका लॉजिक तो लग रहा है लेकिन हम लोगों का यहाँ पे आंसर जो बोर्ड के द्वारा दिया दोस्तों इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो सही हो जाएगा हम आपको तरीका बता रहे हैं कि आप किस तरीके से सोच सकते हैं सारे प्रश्न को बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर एग्जामिनर बोर्ड के द्वारा ऑप्शन नंबर दो को दिया है तो दो नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा दो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बस एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं दोस्तों कि जिसका आंसर अलग अलग हो जाते हैं लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है कि सभी इस तरीके से प्रश्न आएंगे अभी आगे बढ़िए ना आपको कोई ऐसा प्रश्न नहीं आएगा जो कि डबल डबल आंसर होंगे देखिए ना अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है चौथा नंबर क्वेश्चन वीडियो को पॉज कीजिए और कोशिश कीजिए देखिए यहाँ पे जैसे लिखा है सर हम लोगों का तीन लिखा है उसके बाद ग्यारह लिखा है सर उसके बाद अड़तीस लिखा है उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों एक सौ दो लिखा है उसके बाद हम लोगों का चार सौ क्या लिखा है तैतालीस लिखा है तो ठीक है सर यहाँ पर प्रश्नवाचक वाचक चिन्ह जो खालिया डैश लिख दिया यहीं पर क्या आएगा इधर क्या लिख दिया दोस्तों चार सौ तैतालीस लिख दिया तो तरीका को समझेंगे पहले श्रृंखला यानी सीरीज को क्या देखेंगे दोस्तों कि सीरीज बढ़ कैसे रहा आखिर करने से हमारा क्या काम हो जाएगा तो देखिए यहाँ पे अगर तीन से ग्यारह पे जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा तो सर तीन से ग्यारह पे जाएंगे तो यहाँ पे आठ जोड़ना होगा अगला देखिए ग्यारह से यदि अड़तीस पे जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा अड़तीस में ग्यारह घटा लीजिए आपको मालूम चल जाएगा आपको कितना जोड़ना होगा तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग जोड़ेंगे कितना तो सर इधर हो जाएगा आठ में एक जाएगा तो सात तीन में दो यहां पे सत्ताईस जोड़ा है सर अगला देखिए यहां पर क्या जोड़ेंगे तो आपको करना एक सौ दो अड़तीस घटा लीजिए वही आपको जोड़ना निकल जाएगा तो ये एक देखिए एक दस दो बारह में आठ गया चार अरे इधर हो जाएगा सर नौ तो नौ में तीन जाएगा तो क्या हो जाएगा छः यानी कि चौंसर तो अगला क्या जोड़ेंगे सर यहाँ पर फिर आगे क्या जोड़ेंगे यही बात बताना था तो ये देखिए एक तरीका हम लोगों के सामने आ चुका है क्या तरीका आप समझे सर ये देखिए ये जो आठ है किसका क्यूब है ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट दो का क्यूब अगला देखिए ये किसका है दोस्तों तीन का क्यूब अगला ये देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है चार का क्यूब यानी कि सर हम लोगों का क्या हो रहा है क्यूब होते जा रहा है ये किसका आठ देखिए इसके बीच में जो आया दो का क्यूब दोस्तों दो का दू क्यूब अगला जो आया हम लोगों का तीन का, तो का क्यूबियेगा तो तो कितना हो जाएगा तो सर तो पांच दो इधर हो जाएगा सात इधर हो जाएगा हम लोगों का दो और एक एक क्या हो जाएगा दोस्तों दू यानी सौ पच्चीस अगला पांच काूब हुआ तो अगला क्या जोड़ेंगे दोस्तों हम लोग छोड़ का क्यूब तो यहां पे छ का क्यूब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दो सौ सोलह तो जैसे ही दो सौ सोलह एक सौ सो पच्चीस में जोड़िएगा तो देखिए चार सौ क्या दोस्तों तैतालीस बिल्कुल हम लोगों का पैटर्न फॉलो कर गया क्योंकि प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों काफी बार एग्जाम में पूछा गया है बहुत सारा लॉजिक नहीं लगा पाते हैं तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों दो सौ सत्रह ऑप्शन नंबर दो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा बस आपको तरीका को समझना है कि सर यहाँ पे आठ फिर सत्ताईस फिर चौसठ तो अगला क्या जोड़ेंगे एक सौ पच्चीस फिर दो सौ सोलह यानी क्यूब करके जोड़ते गया था क्या करके जोड़ा है दोस्तों

क्या करना है नोट कर लेना यानी कि हम लोगों का बी लिखा है तो बी लिख दिए डी लिखा है तो डी उसके बाद लिखा है एप और क्या लिखा है दोस्तों एच उसके बाद देखिए जे और क्या लिखा है दोस्तों एल उसके बाद लिखा है एन और क्या लिखा है पी और आगे है सर हम लोगों का प्रश्नवाचक चिन्ह तो कोई दिक्कत ना आप सबसे पहले क्या कीजिए दोस्तों कि ए बी सी डी में आप यहाँ से लेकर नंबरिंग याद कर लीजिए जेड तक कि जेड का छब्बीस होता है ए का एक होता है बी का दो होता है सी का तीन होता है डी का चार होता है इसी प्रकार से ई का पाँच एफ का छः जी का सात पूरा नंबर अगर आप याद कर लेते हैं तो प्रश्न आप देख सॉल्व कर लेंगे क्योंकि इस तरीके का प्रश्न आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है तो देखिए बी से यदि आप डी पे जाइए ई एफ पे जाइएगा दोस्तों कितना जोड़ना होगा तो सर बी से यदि F तो बी के बाद क्या होता है सी डी ई एफ तो सर चार जोड़ना होगा तो चार जोड़ दिए अगला देखिए F से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों यहाँ पे किस पे सर तो जे पे तो यहां पर कितना लेटर जोड़ना होगा चार लेटर जोड़ना होगा ठीक है सर जे से यदि एन पे जा रहे हैं तो कितना लेटर जोड़ना होगा चार लेटर यानी कहने का मतलब देखिए जे से यदि एन पे जा रहे हैं जे के बाद क्या होता है के एल एम एन तो चार चार लेटर जोड़ते जा रहे तो अगला क्या जोड़ेंगे सर चार लेटर जोड़ देंगे तो जैसे ही चार लेटर जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा देखिए तो कि सर एन के बाद होता है ओ पी क्यू आर तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों आर हो जाएगा बस आंसर निकल चुका देखिए आर वाला कौन सा ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है ज्यादा आपको मशक्कत करने ही नहीं है

यानी कि हम लोगों का आर और अच्छा आर वाला देखिए आर वाला यहाँ पे होगा दोस्तों आर वाला दो ऑप्शन हो रहा था हम ध्यान नहीं दिए तो यहाँ पे हो जाएगा आर और टी इसके लिए माफी चाहते हैं दोस्तों जो गलती टिक कर दिए थे कौन सा सही हो जाएगा आर और टी सही हो जाएगा सर ये देखिए यहाँ पे है ऑप्शन नंबर फोर में इसके लिए माफी चाहते हैं जो गलती कर दिए थे तो क्या हो जाएगा दोस्तों आर और टी आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा उम्मीद कर दे दोस्तों आप लोग प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे बस तरीका को समझना प्रश्न को रटना नहीं लॉजिक को हमेशा याद रखना कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम कैसे लॉजिक लगाएंगे अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों का छठा नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे सर ये देखिए यहाँ पे दिया गया यानी कर्म में रखना है क्या रखना है दोस्तों कर्म यानी इसको बोलते हैं हम लोग क्या सार्थक कर्म क्या बोलते हैं दोस्तों सार्थक कर्म बोलते हैं तो देखिए दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम में सजा यानी पहले क्या होगा चूहा होगा सांप होगा खेत होगा अन्न होगा गरुड़ होगा तो किस तरीके से क्रम देखिए सार्थक क्रम का मतलब ही क्या हो दोस्तों कि इनमें से सबसे पहले काम क्या होगा और एक बढ़ते क्रम में सजाना है तो देखिए यानी कि इसमें काम पर आधारित देंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों खेत लेंगे यानी खेत लेने के बाद ये देखिए यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि सबसे पहले क्या कर लेंगे दोस्तों खेत ले लेंगे यहाँ पे सजा देते ये देखिए खेत लेने के बाद इसके बाद इस तरीके से कर दीजिए खेत लेने के बाद हम लोगों का क्या होगा दोस्तों खेत में अन्न होगा तो ठीक है सर अन्न होने के बाद हम लोगों का क्या होगा देखते चलिए इस तरीके से सजा रहे हैं खेत के बाद हम लोगों का अन्न हुआ अन्न होने के बाद क्या होगा दोस्तों हम लोगों का कि सर अन्न जैसे होगा तो उसको देखिए चूहा क्या करता है दोस्तों बहुत बर्बाद करता है तो यहाँ पे चूहा कर देंगे और चूहा के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों चूहा को पकड़ने के लिए कौन है तो सर सांप है यानी कि सांप चूहा को पकड़ेगा और सांप को फिर कौन पकड़ता है दोस्तों तो गरुड़ जो है उस सांप को क्या कर लेगा पकड़ लेगा यानी कि नीचे क्या आ जाएगा दोस्तों हम लोगों दो का गरुड़ आ जाएगा नीचे क्या आ जाएगा दोस्तों गरुड़ आ जाएगा तो इस तरीके का क्रम हो जाएगा यानी कि सबसे पहले अगर खेत रखेंगे तो खेत रखेंगे यानी पांच पे उसके बाद अन्न है दोस्तों चार पे उसके बाद चूहा है हम लोगों का किस पे तो सर चूहा है हम लोगों का एक पे सांप कितने नंबर पे है तो सांप तीन पे है और हम लोगों का गरुड़ कितना पे है दोस्तों तो दो पे तो इस तरीके का क्रम देखिए कहाँ मिल रहा है पाँच उसके बाद हम लोगों का चार उसके बाद एक तीन दो पहला ही ऑप्शन है सर पहला ऑप्शन ही क्या हो जाएगा सही हो जाएगा बस आपको ई समझना है देखिए सबसे पहले हम लोगों का सार्थक क्रम का मतलब ही होता है कि एक क्रम में सजाना क्या दोस्तों क्रम में क्या काम क्या होगा तो पहले हम लोगों का खेत लेंगे खेत में जैसे ही अन्न बोए तो अन्न को चूहा गया बर्बाद करने अब बर्बाद कर रहा था तो सांप उस चूहा को क्या कर रहा है खा रहा है और वही सांप को फिर कौन पकड़ता है दोस्तों गरुड़ जो है पकड़ के उसको ल... यानी खाता है तो ऑप्शन नंबर आपका एक क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा इस तरीके के प्रश्न को ऐसे ही सोचते हैं और ऐसे ही समझ के क्या कर लेते हैं दोस्तों कर लेते हैं कि पहले होगा खेत फिर अन्न फिर चूहा फिर सांप उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों गरुड़ तो ऑप्शन नंबर आपका एक क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा इस तरीके के प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछे दोस्तों इसीलिए तरीका याद रखिए कि सार्थक क्रम में देखिए दो तरीके साथ छोटा से बड़ा या इनमें से कम पहले क्या होगा इस तरीके से सोचते हैं इस तरीके के प्रश्न को अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों का सातवां नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे सर रिलेशन से दिया गया देखिए कैसे करेंगे दोस्तों तरीका देखिए करें कि राजीव जो है वह क्या है दोस्तों करा रहा है कि राजीव जो है अरुणा का भाई है तो ठीक है सर यहाँ पे कर लीजिए ना ये देखिए इस जगह पे क्या कर लेते हैं दोस्तों राजीव कर लेते हैं देखते चलिए है कैसे कर रहे हैं यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों राजीव हो जाएगा बोला है कि राजीव जो है अरुणा का भाई है तो यहाँ पे कर लीजिए यानी अरुण का क्या है दोस्तों भाई है यानी राजीव किसका भाई है तो अरुण का क्या है दोस्तों भाई है ई इसका क्या हो जाएगा भाई हो जाएगा तो यहाँ पे प्लस जेंडर यानी पुरुष जेंडर के लिए प्लस लेंगे दोस्तों और महिला जेंडर के लिए माइनस अगला देखिए फिर कहा क्या कि सोनिया सुनील की बहन है तो यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ आगे जैसे बढ़े सोनिया सुनील के अभी कुछ नहीं आगे जैसे बढ़े करा कि अरुण जो है सोनिया का पुत्र यानी अरुण जो है दोस्तों वो किसका पुत्र है ईद यहाँ पे सोनिया कर लेंगे क्या कर लेंगे यानी सोनिया का पुत्र कौन है ई सोनिया का क्या हो जाएगा दोस्तों पुत्र हो जाएगा पुत्र यानी कि पुरुष है तो भी क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस हो जाएगा यानी कि नाम से हम लोग यानी जेंडर नहीं कर सकते अरुण बोला था ये नहीं कि हम लोग एकदम अरुण लड़के हो जाएगा ऐसा नहीं बोल दिया कि पुत्र है तो प्लस हो जाएगा और राजीव अरुण दोनों भाई है आगे जैसे बढ़े तो आगे यहीं पे बोला था कि सोनिया जो है वह सुनील की बहन है तो सोनिया जो है दोस्तों किसकी बहन है तो यहाँ पे कर लेंगे सुनील तो सुनील की कौन है तो सर सुनील की ई कौन है तो बहन है यानी सोनिया क्या है दोस्तों ई बहन है तो बहन के लिए माइनस जेंडर और ई भाई है तो क्या आ जाएगा दोस्तों प्लस जेंडर पुरुष जेंडर के लिए प्लस महिला जेंडर के लिए माइनस तो कह रहा है कि देखिए राजीव का सुनील के साथ कहाँ से पूछा है यही गौर करना होता है कि सर सुनील का कौन हो जाएगा तो सुनील जो है राजीव का कौन हो जाएगा दोस्तों ये देखिए तो सर ये दोनों भाई है और इसका माँ हो जाएगा सोनिया और सोनिया यानी कि मामा और हम लोगों का भतीजा का संबंध हो जाएगा दोस्तों तो यहाँ पे देखिए हम लोगों का सुनील से पूछा है तो सुनील का ये कौन हो जाएगा भतीजा हो जाएगा जहां से देखिए सुनील के साथ क्या संबंध यहाँ पे गौर कीजिएगा सुनील के तो सुनील का कौन हो जाएगा तो हम लोगों का सर सुनील का हो जाएगा भतीजा इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर फोर सही हो जाएगा कि सुनील के साथ इसका संबंध क्या हो जाएगा भतीजा काफी बार एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न आए बस डायग्राम को याद रखिएगा जो बड़ा रहेगा ऊपर जाएगा और जो छोटा

हम लोगों का दिया गया दोस्तों कह रहे हैं कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को कौन पूरा करेगा अगर देखा जाए दोस्तों कि कौन प्रतिरूप को पूरा करेगा जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है यहाँ पर क्या आएगा सर यही आपको बताना है तो ये देखिए जैसे अगर देखा जाए दोस्तों की डायग्राम किस तरीके से दिया है यानी कि अगर इसका संबंध देखा जाए इस तरीके से तो यहाँ भी डंटा खींचा इस तो यहाँ पे सबसे पहले एक क्या हो जाएगा दोस्तों डंटा इस तरीके से हो जाएगा और इसको कर देंगे और इधर हम लोगों का किस तरीके से कर देंगे दोस्तों अगर इधर इस तरीके से आया तो इधर हम लोगों का क्या हो जाएगा इस तरीके का हो जाएगा सर तो देखिए इस तरीके का डायग्राम किस ऑप्शन में आपको नजर आ रहा आ रहा है ये हो सकता है नहीं हो सकता है ये हो सकता है नहीं हो सकता है ये नहीं हो सकता बल्कि ऑप्शन नंबर आपका एक क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा बस तरीका को समझना है रटना नहीं है साफ साफ बोला कि नीचे प्रश्न आकृति को कौन पूरा करेगा तो देखिए ऑप्शन नंबर एक हु पहले ऐसे किए उसके बाद यहाँ पे ऐसे किया और उसमें क्या किया दोस्तों इस तरीके से दिए तो ऑप्शन नंबर एक में दिया गया है तो ऑप्शन नंबर एक आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट क्वेश्चन अच्छा लगता है तो चैनल

अगर तो यहाँ पे खोजेंगे दो तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं एक बनाया जा सकता है एक नहीं तो यहाँ पे अंडरलाइन देखिए डार्क मोड में कर दिए हैं कि नहीं बनाया जा सकता है तो देखिए रीच बनाया जा सकता है क्या आर ई तो मिल, मिल रहा है क्या ई देखिए आर ई तो यहीं मिल रहा है सर ए मिल रहा है क्या ए भी मिल रहा है सी भी मिल रहा है ई तो ई बनाया जा सकता है यानी कि अगर पहला ऑप्शन देखा जाए तो क्या हो जाएगा दोस्तों बनाया जा सकता है दूसरा देखिए ई ए तो ई यहाँ मिल रहा है ए यहाँ मिला उसके बाद देखिए टी मिल रहा है क्या टी भी मिल रहा है ई भी मिल रहा है ई डबल बार है उसके बाद ई भी बनाया जा सकता है ठीक है सर अगला

का प्रयोग किया है इसीलिए हम लोगों का यही वाला क्या हो जाएगा दोस्तों नहीं बनाया जा सकता है कौन सा तो ऑप्शन नंबर फोर क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों का दसवां नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे देखिए कह करें कि लुप्त पद ज्ञात करें यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दोस्तों ये प्रश्नवाचक चिन्ह है तो यहाँ पर क्या आएगा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे कैसे करेंगे तो सबसे पहले इस तरीके के प्रश्न क्या करते हैं दोस्तों कि इस तरीके से आप चल के देखिए क्या और छत को जोड़ने के बाद पंद्रह हो रहा है घटाने के बाद पंद्रह हो रहा है गुना करने के बाद पंद्रह हो रहा है इ दोनों को गौर करके देखना क्या हो पा रहा है अगर ये पंद्रह आ पाएगा किसी तरह से अगर देखा जाए तो नहीं आ पाएगा सर तो इस तरीके से यदि नहीं हुआ तो आप क्या कीजिए

दस कर दिया और भागा इसमें क्या कर दिया दोस्तों दो कर दिया है यानी बस ईद सात गुना दस और उसके बाद भागा दो यहाँ पे वही करना है तो ये देखिए उसी प्रकार से इसमें भी करेंगे दोस्तों देखिए यहाँ भी वही चलेंगे यानी कि सर गुना यहाँ पे क्या कर देना है देखिए पहले इसको कर लीजिए देखिए हम लोगों का कितना होता है तो सर इसको जैसे ही हम लोग कटा देंगे दोस्तों तो देखिए दो पंचे क्या हो जाएगा दस हो जाएगा भागा आपको दो करना कहां है ये दो कहाँ से आए आपने तो सात गुना पाँच करेंगे तो क्या हो जाएगा पैंतीस हो जाएगा ठीक है सर इसका वाला यहाँ पे निकालना है तो इस जगह कर दीजिए दोस्तों ठीक लेकिन पहले इसका चेक करके देखिए इसका हम लोगों का क्या आ रहा है तो ठीक है सर जैसे इसका देख लेते हैं चेक करके कि सर यहाँ पे बा पंद्रह अगुना क्या कर देंगे दोस्तों बारह कर देंगे और भागा में क्या कर देंगे दो कर देंगे ये दो कहाँ से लाए तो आप अपने मन से क्यों लाए क्योंकि हम लोगों को

आना चाहिए हम लोगों का कितना दोस्तों यहाँ पे करने के बाद बारह आना चाहिए तो ठीक है सर ये देखिए तो जैसे ही कर देंगे हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों कि इसको कटा दीजिए सर क्यों किससे कट रहा है तो दू तिया क्या हो जाएगा छ हो जाएगा इधर से कट गया इधर से बराबर तीन चौके क्या हो जाएगा दोस्तों बारह हो जाएगा तो ये भी बारह कट जाएगा तीन से ये तीन से कट गया तो वाट के स्थान पर क्या आएगा दोस्तों चार आ जाएगा तो इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों चार हो जाएगा यानी कि सर संख्या को गुना करके क्या कर दीजिए आधा करते चलिए ये देखिए अगर यहाँ भी ऐसे भी कर सकते सात धंग सत्तर सत्तर का आधा क्या हो जाएगा दोस्तों पैंतीस उसी प्रकार देखिए छह चौक क्या हो जाएगा अगर वाट के स्थान पर चार रखेंगे तो छ चौक क्या हो जाएगा चौबीस चौबीस का आधा क्या हो जाएगा दोस्तों बारह उसी प्रकार से पंद्रह गुना बारह

बस आपको तरीका समझना था कि ये दोनों संख्या को यानी कि सात गुना दस करके सर यानी हो जाएगा क्या हम लोगों का सत्तर हो जाएगा सत्तर का आधा कर देंगे तो हम लोगों का पैंतीस हो जाएगा उसी प्रकार से दोस्तों इसका पहले करना था तो पंद्रह गुना जैसे ही बारह कर देंगे तो क्या हो जाएगा एक सौ अस्सी हो जाएगा एक सौ अस्सी का आधा क्या हो जाएगा दोस्तों नब्बे हो जाएगा तो उसी प्रकार से इसका दिया गया था इसके जगह पर क्या रखेंगे तो छः गुना क्या कर देंगे दोस्तों वाट कर देंगे और आधा कर देंगे इधर क्या आना चाहिए दोस्तों तो जैसे ही गुना करेंगे तो गुना आखिर आधा ऐसा क्या करेंगे सर जो कि हम लोगों का बारह आ जाएगा वहाँ बारह लाना था तो यहाँ पे सर अगर हम लोग क्या कर देंगे चार रख देंगे छः चौक क्या हो जाएगा दोस्तों चौबीस हो जाएगा और चौबीस का आधा क्या हो जाएगा बारह तो प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा दोस्तों चार आएगा ऑप्शन नंबर दूसरा क्या होगा सही होगा अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों ग्यारवा नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है काफी बार एग्जाम में पूछा गया है बहुत सारा इस्तेलन नहीं कर पाएंगे इस तरीके के प्रश्न को ये के तरीका बताते हैं कि कैसे करेंगे सबसे पहले देखिए बेसिक बात आपको बता देते हैं दोस्तों इस प्रश्न में क्या लगेगा कि ए का उल्टा क्रम क्या होगा जेड बी का उल्टा क्रम क्या होगा दोस्तों वाई सी का उल्टा क्रम क्या होगा एक्स डी का उल्टा क्रम क्या होगा डब्ल्यू इस तरीके से यदि आप सबका कर लेते हैं ई e का भी और जितना दिया गया है यदि जेड तक तो आपका प्रश्न क्या हो जाएगा दोस्तों सॉल्व हो जाएगा देखिए यहाँ पे वही उल्टा क्रम दिया गया दोस्तों और उसका नंबरिंग लिखा हुआ है क्या क्या है उल्टा क्रम देखे नंबरिंग लिखा है ई देखिए आपको बताते हैं हुआ क्या है यानी कि यहाँ पे लिखा है देखिए ना अभी पहले ए को निकाल के बताते हैं कि जी उसके बाद देखिए ए उसके बाद है दोस्तों आर उसके बाद हम लोगों का एम उसके बाद लिखा है ई उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों एन और क्या होता है दोस्तों टी तो इसका उल्टा क्रम आप पहले निकाल लीजिए उल्टा क्रम क्या होता है तो जी का उल्टा क्या होता है हम लोगों का टी होता है सर ए का उल्टा क्या होता है जेड होता है आर का उल्टा क्या, क्या दोस्तों आई होता है एम का उल्टा क्या होता है हम लोगों का एन होता है ई का उल्टा क्रम क्या होता है दोस्तों भी और एन का उल्टा क्या हो जाएगा एम हो जाएगा और टी का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों जी अब इसका नंबरिंग लिखना होगा क्या लिखना होगा दोस्तों इसका नंबरिंग यानी टी का कितना होता है देखिए टी का होता है बीस जेड का होता है दोस्तों छब्बीस आई का होता है नौ एन का होता है चौदह भी का क्या होता है जी का क्या, क्या करना है दोस्तों नंबरिंग कर देना यानी कि देखिए उसका उल्टा क्रम पहले कर लेना जी का उल्टा क्या हो जाएगा टी याद रखना होगा ए का उल्टा अभी बताए जेड होगा बी का उल्टा वाई सी का उल्टा एक्स अगर इस तरीके से आप याद कर लेते हैं प्रश्न क्या हो जाएगा दोस्तों काफी सुविधा हो जाएगा आपको करने में यानी कि यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों उल्टा क्रम जिसको हम लोग बोलते हैं क्या विपरीत क्रम तो उल्टा क्रम करके लिखा है तो इसी प्रकार से इसका पूछा है तो इसका भी उल्टा क्रम निकाल दीजिए और उसका नंबर लिख दीजिए तो इसको हटा देते हैं दोस्तों और इसको कर देते हैं ये देखिए यहाँ पे यानी कि सर i है तो पहले इसको लिख लीजिए i उसके बाद हम लोगों का n तो एन उसके बाद डी तो डी उसके बाद लिखा है दोस्तों यू तो यू उसके बाद एल एल उसके बाद जी और क्या लिखा है दोस्तों ई लिखा है तो इसका उल्टा क्रम कर दीजिए यानी कि उल्टा क्रम का बात किया जाए दोस्तों आई का उल्टा क्या होता है अगर देखा जाए तो आर होता है, 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 तो है एन का उल्टा क्या होता है दोस्तों अभी बताए एम होता है डी का उल्टा क्या होता है दोस्तों हम लोगों का डब्लू होता है यू का उल्टा क्या होता है एप होता है उल्टा क्रम आपको याद कर लेना एल का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों ओ जी का उल्टा क्रम क्या होता है टी और ई का उल्टा क्रम क्या होता है दोस्तों भी होता है बस और इसका क्या कर दीजिए नंबरिंग लिख दीजिए दोस्तों आर कितने नंबर पे होते पर पंद्रह तो, हो नंबर पे? पे टी कितने नंबर पे बीस नंबर पर भी कितने नंबर बाईस नंबर काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देंगे देखिए कहा मिल रहा है अठारह तेरह उसके बाद यानी ऐसा लग रहा है कि मिलते जा रहा है तो उसके बाद हम लोगों का पूरा यानी कि छः देखिए अठारह तेरह तेईस तो अठारह तेरह तेईस तो इसी ऑप्शन में मिल रहा है ऑप्शन नंबर फोर में अठारह यहाँ पे बत्तीस लिख दिया गौर कीजिएगा यहाँ पे क्या लिखा है बत्तीस बल्कि होगा क्या तेईस तो ऑप्शन नंबर आपका फोर क्या आ जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा याद रखिएगा का, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बहुत सारा स्टूडेंट इस तरीके के प्रश्न नहीं कर पाते हैं क्योंकि सर य तरीका इन्हें मालूम होता है कि हम करेंगे तो करेंगे कैसे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगता है नहीं समझ पाते हैं तो आप जरूर कॉमेंट कर सकते हैं देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कर रहा है दोस्तों और कैसे करेंगे अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने जो लिखा है बारहवा नंबर देखिए जैसे अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने कैसे करेंगे कह करें रहा है कि सभी पुस्तकें हैं यानी कि यहाँ पे क्या बोला दोस्तों सभी पुस्तकें उपन्यास तो सबसे पहले क्या करेंगे सभी पुस्तकें दिया है तो पुस्तकें लिख लीजिए दोस्तों यानी कि सभी पुस्तकें क्या है हम लोगों का उपन्यास यानी पुस्तकें क्या हो जाएंगे उपन्यास तो यहाँ पे लिख लीजिए सभी वाला डायग्राम ऐसे बना लीजिएगा यानी कि सभी पुस्तकें क्या है उपन्यास है तो ठीक है सर पुस्तक को उपन्यास के अंदर में रख देंगे उसके बाद कह करा कि कुछ उपन्यास कविताएं हैं तो उपन्यास क्या कर देंगे दोस्तों कुछ उपन्यास जो है कविताएं हैं तो यहां पे क्या कर लीजिए कविताएं कर दीजिए ठीक है सर ऐसे कर देने के बाद तो जैसे लिख दिया अब पढ़िए क्या कर रहा है कि कह रहा है कि कुछ पुस्तकें हैं यहाँ पे क्या बोला है दोस्तों हम लोगों का कि कुछ पुस्तकें कविता है तो पुस्तक तो और कविता में क्या है कुछ वाला डायग्राम हमेशा याद रखिएगा दोस्तों एक गोला अगर इस तरीके से किया तो कुछ वाला डायग्राम है क्या है दोस्तों कुछ वाला डायग्राम और सभी वाला डायग्राम ऐसे होता है यानी एक गोला के अंदर दूसरा गोला तक गया तो क्या हो जाएगा दोस्तों सभी वाला तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि कुछ पुस्तकें कविता है तो कुछ पुस्तकें जो है हम लोगों का क्या बोल रहे हैं दोस्तों कि कुछ पुस्तकें जो है कविताएं हैं तो पुस्तक क्या कविता के अंदर यहाँ पे जा रहा है क्या यानी कि इस तरीके का कुछ पुस्तक कविताएं हो रहा है नहीं हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों तो गलत हो जाएगा यानी कुछ पुस्तकें जो है कविता के अंदर नहीं हो, हो ही नहीं रहा है यहाँ कुछ वाला डायग्राम देखिए यहाँ पे गौर कीजिएगा ऐसे है कि कुछ पुस्तकें कविताएं इस तरीके से यहाँ पे नहीं हो पाएगा अगर दूसरा देखिए रहा है कि सभी कविताएं उपन्यास क्या सब तो कविता उपन्यास के अंदर में है क्या नहीं है सर तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों गलत हो जाएगा तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ना तो

कविता है उपन्यास कविता तो उपन्यास के अंदर में गया है नहीं सर कुछ हिस्सा गया और कर रहे हैं सभी इसलिए दूसरा वाला क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे सही हो जाएगा ना तो एक ना तो दो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगता है नहीं समझ पाते हैं तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों का तेरहवा नंबर क्वेश्चन लग रहा है कि कोई कहानी लिख दिया लेकिन आप देख कर इस तरीके के प्रश्न कर सकते हैं दोस्तों ये देखिए कह रहे हैं कि यदि बादल को नीला कहा जाता है नीले को बारिश कहा जाता है बारिश को काला कहा जाता है काले को हवा कहा जाता है और हवा को पीला कहा जाता है और पीले को पानी कहा जाता है तो कह रहा है कि पंछी कहाँ उड़ेंगे तो यानी अगर देखा जाए दोस्तों तो पंछी यानी कि पंछी कहाँ उड़ते हैं तो आकाश में उड़ते हैं कहाँ उड़ते हैं दोस्तों यानी आकाश मतलब हवा में उड़ते हैं तो यहाँ पे आकाश के बारे में चर्चा नहीं है तो हवा में उड़ते हैं तो हवा में उड़ता है तो हवा को क्या कहा जा गया है ईद के कह रहा है कि सर हवा को पीला कहा जा रहा है यानी हवा को क्या कर रहा है दोस्तों पीला तो यानी कि पक्षी कहाँ उड़ेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों पीला हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा तरीका को समझिए आप रटिए

हम लोगों का 14वां नंबर क्वेश्चन ये कितना बड़ा आजकल इसी तरीके के प्रश्न दे रहे हैं दोस्तों और बहुत सारे छात्र इस प्रश्न में कंफ्यूजन कर जाते हैं देखिए जो जो दिया है यानी e का अर्थ क्या है दोस्तों प्लस तो यहाँ पे उसको नोट कर लीजिए क्या कर लीजिए दोस्तों e का अर्थ क्या लेना हम लोग जहां e है वहां पे प्लस बैठाएंगे f जहां है देख लीजिए वैसे ही करेंगे f जहां है वहां पे क्या कर देंगे दोस्तों गुणा कर देंगे g जहां है तो g के जगह क्या करेंगे सर भाग कर देंगे और एच के जगह क्या कर देंगे दोस्तों माइनस बस इतना बात यदि आप समझ गए तो देखिए प्रश्न आप तुरंत कर लीजिएगा यानी लिखा है सर हम लोगों का एकासी तो एकासी उसके बाद एच तो एच के जगह बोले है अभी माइनस लेने के लिए तो माइनस ले लेंगे और क्या है दोस्तों एक है तो एक कर देंगे उसके बाद है जी तो जी के जगह क्या लेना है भागा लेना है तो भागा कर दीजिए दोस्तों और क्या लिखा है हम लोगों का सत्रह का सत्रह लिखा हुआ है ठीक है सर उसके बाद एप तो ऐप के जगह गुना का गुना ले लेंगे उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों एक हम

सत्रह गुना छ करेंगे क्या हो जाएगा एक सौ दो हो जाएगा यानी सत्रो छ क्या होता है दोस्तों दियोत्तर से थी, यानी कि सत्रह और डायरेक्ट काट देगा क्या सत्रो छर से कट गया ठीक है सर तो इधर हो जाएगा देखिए इक्सी और माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों यानी कि एक गुना चौंतीस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा चौतीस हो जाएगा देखते चलिए कितना आसान था खाली लग रहा था कि बहुत बड़ा चौंतीस छ क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का चालीस हो जाएगा तो यहाँ पे कर देंगे इक्यासी और माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों यानी दोनों दोनों जगह जगह और माइनस माइनस जुटेगा तो तो में घटा देंगे दोस्तों इस प्रश्न का आंसर इकतालीस आ जाएगा तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा बस तरीका को समझिए आप प्रश्न को रटिए नहीं कि इस तरीके का प्रश्न है कितनों बड़ा आए जो जो दिया है बस उसका काम कर दीजिए आपका आंसर निकल जाएगा सिंपल था कि जो जिसके नीचे मान लीजिए कि दो और भागा तीन है एक बात नोट कर लीजिएगा दोस्तों कि दो भागा तीन का मतलब क्या हुआ कि दो बट्टा तीन कर देंगे जिसके आगे में भागा वो कहाँ चल जाएगा बट्टे में तो उसी प्रकार देखिए एक सौ दो और भागा यहाँ छ तो चो क्या चल जाएगा नीचे चल जाएगा एक सौ दो के नीचे इस तरीके से करते हैं ये बात हम यहाँ पे क्या बताए दोस्तों आपको बेसिक बताए उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ रहे होंगे सारे प्रश्न को देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने इस प्रश्न का आंसर इकतालीस होगा यानी कि पंद्रहवा नंबर क्वेश्चन करा कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें तो भिन्न देखिए अगर कहीं आपको स्क्वायर दिख रहा है तो वही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों पहला आंसर हो जाएगा अगर कोई क्यूब देख रहा है तो वही हो जाएगा या उस तरीके से नहीं हो पाया अगर ये दोनों नहीं दिखा तो हो सकता है और भाष संख्या में जाएगा अगर वो भी नहीं दिखा तो हो सकता है क्या हो जाएगा कोई भी भाजता का नियम पर आधारित होगा तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे लॉजिक लगाते हैं तो यहाँ पे अगर देखा जाए क्या ये स्क्वायर है क्या नहीं है सर ये स्क्वायर है क्या नहीं है ये स्क्वायर है नहीं है सर हां 256 किसका स्क्वायर है दोस्तों 16 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर क्या होता है हम लोगों का 256 तो यही क्या हो जाएगा समूह में से भिन्न हो जाएगा बाकी कोई किसी का स्क्वायर नहीं है यही क्या है दोस्तों एक स्क्वायर है 16 का तो यही क्या हो जाएगा हम लोगों का भिन्न हो जाएगा अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों का दिया गया है इस तरीके के प्रश्न ऐसे सोचते हैं अगर स्क्वायर अगर क्यूब रहता तो क्यूब पर आधारित रहेगा स्क्वायर पर या उसके बाद विभाजता का नियम पर आधारित या अभाज्य संख्या पर तो यानी कि पहले हम लोग देखते हैं क्या दोस्तों स्क्वायर और क्यूब इस पे बाद देखते हैं अभाज्य संख्या या विभाजता का नियम इस तरीके से देखते हैं फिर सम विषम पर चार पाँच लॉजिक रहता है उसी पर सोचते हैं और सारे प्रश्न सॉल्व हो जाता है अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों का पंदरवन अच्छा यहाँ पे सोलवा नंबर यानी कि टाइपिंग हम लोगों का मिस्टेक यानी पंद्रह यहाँ पे सोलह में है कह रहे विषम की पहचान करें यानी इनमें से कौन सा विषम ये रहा है कि स्टायरिंग वहील उसके बाद इंजन कार और क्या लिखा है दोस्तों टायर तो देखिए अगर देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे कौन सा अलग हो जाएगा तो कार अलग हो जाएगा सर क्यों कार अलग हो जाएगा देखिए हम लोगों का इंजन हो गया उसके बाद हम लोगों का स्टायरिंग व्हील हो गया और क्या दोस्तों हम लोगों का टायर हो गया ये सभी कार के क्या है दोस्तों पार्ट्स है यानी कि क्या है भाग है तो कार के अंतर्गत सारे आ जाएंगे कि यानी कि स्टायरिंग व्हील हो जाएंगे इंजन हो जाएंगे टायर हो जाएंगे ये सभी कार के क्या है दोस्तों पार्ट्स है तो ये यह यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड आपका क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा यानी कि सभी कार के पार्ट्स है सर यानी कि स्टेयरिंग व्हील इंजन और टायर उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों के सोलह अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बताएंगे बताए जो कि अगर चैनल पर पहली बार है तो रेड कलर का बटन दिख रहा होगा उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए क्योंकि हमारा चैनल एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है उस तरीके कंटेंट और क्वेश्चन करवा रहे हैं जो बार बार रिपीट कर रहे हैं पूछे जा रहे हैं और आगामी एग्जाम में आ सकते हैं उस तरीके के प्रश्न लेकर आते हैं ओके दोस्तों थैंक यू फिर आप लोगों से अगली वीडियो में मुलाकात होगी